हेलो गाइस, मूवी एंड वेब सीरीज के इतने बड़े दुनिया में आज आपका फिर से स्वागत है। हमारे बॉलीवुड में फीमेल कैरेक्टर को लिया जाता है बस मूवी को बोल्डनेस, ग्लैमरस और एटम सॉन्ग पे नचाने के लिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं फीमेल एक्शन कमजोर होती है, एक्शन सीन और स्टंट उन सब की बस की बात नहीं। तो आज के रिव्यू में हम लाए हैं टॉप 10 बेस्ट फीमेल एक्शन मूवी इन हिंदी, जो आपको फीमेल एक्ट्रेस की प्रति आपकी नजरिया बदल के रख देगी और इसके एक्शन सीन देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आप इस लिस्ट की मूवी कभी भी मिस मत करना, सारी मूवी एक से एक बढ़कर है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिमाइंडर, अगर हमारा वीडियो पसंद आती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 10 पे हॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस और एक्टिंग किंग एंजेलिना जोली की लारा क्रॉफ्ट टॉम राइडर। इस फिल्म सीरीज में 2001 से 2003 तक दो पार्ट आ चुकी है। एंजेलिना जोली इस मूवी में लारा का रोल प्ले किया है। ये मूवी नहीं एक्शन सीक्वेंस की भंडार है। एंजेलिना जोली की एक्शन सीन और उनके एटीट्यूड देखकर आप पलके नहीं झपका पाएंगे। एंजेलिना जोली इतनी कमाल की एक्ट्रेस थी कि 24 साल के उम्र में ही ऑस्कर अवार्ड और गोल्डन अवार्ड जीत चुकी थी। वो सिर्फ फिल्मों में ही हीरो नहीं बल्कि वो रियल वर्ल्ड में भी हीरो है। नंबर 9 पे 2019 की चार्ली एंजल। इस फिल्म में फीमेल एक्शन और ग्लैमरस भर भर के देखने को मिलेगा। इस फिल्म सीरीज में अब तक 3 पार्ट आ चुकी है। ये फिल्म इस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि पूरी फिल्म में टीम एक्शन है, जिसके वजह से ये मूवी कमाल की फीमेल एक्शन मूवी है। इस फिल्म में एक्शन सीन के साथ एक अच्छी स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेगी। फिल्म तो कमाल की है ही, आप मिस मत कीजिएगा इस मूवी को, आपको मजा आ जाएगा। नंबर 8 पे एंजेलिना जोली की एक और मास्टरपीस मूवी 2010 की सॉल्ट। ये मत देखिए कि ये मूवी नंबर 8 पे है, बस कुछ सीन ही काफी होता है मूवी फेवरेट लिस्ट में ऐड होने के लिए। ये मूवी उसी टाइप का है, एक बार देखिए आपके दिमाग में छप जाएगी ये मूवी। मूवी के लीड रोल में नजर आए थे एंजेलिना जोली, जो अमीनो के CIA एजेंट होते हैं और उन्हें फंसाया जाता है कि वो रशिया के स्पाई एजेंट है। मूवी में आपको देखना है कि क्या एंजेलिना जोली खुद को साबित कर पाती है या नहीं, उसे किन किन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है आप मूवी में देखिए। इस फिल्म में आपको एक से एक बढ़कर ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो आपका होश उड़ा देगी। आप एक बार इस मूवी को जरूर जरूर ट्राई करना, आपको सच में मजा आ जाएगा। नंबर 7 पे है एक और एंजेलिना जोली की एक्शन थ्रिलर 2008 की धमाकेदार फिल्म वांटेड। ये फिल्म इतनी कमाल की है कि हम इस फिल्म के स्टोरी के बारे में नहीं बता सकते। बस इतना जान लीजिए कि मूवी देखते वक्त आपके इस मूवी के एक्शन सीन से आपके नजरें नहीं हटेगी, आपको भरोसा नहीं होगा कि आप इस लेवल का एक्शन सीन देख रहे हैं। एंजेलिना जोली के वो एक्शन अंदाज, एटीट्यूड में किसी को मारना, ये सब आपको दिमाग में छप जाएगी और मेरा यकीन कीजिए एक एक करके एंजेलिना जोली की सारी भी देख लोगे। नंबर 6 पे फिर से एक और एंजेलिना जोली की एक्शन रोमांस फिल्म 2005 की मिस्टर एंड मिस्टर स्मिथ। इस लिस्ट की टॉप 4 एक्शन फिल्म सिर्फ एंजेलिना जोली की ही है। मेरे ख्याल से एंजेलिना जोली की हॉलीवुड के एक्शन क्वीन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्या हो अगर पति पत्नी आपस में ही एक दूसरे को मारने का सुपारी ले ले, तो उस फिल्म में एक्शन और रोमांस कमाल की होगी। फिल्म में मिस्टर एंड मिस्टर स्मिथ अपने अपने एजेंसी के एजेंट होते हैं। एक बार इन दोनों को अपने अपने एजेंसी से दूसरे को मारने का ऑर्डर मिलता है। उसके बाद भाई साहब जो एक्शन दोनों के बीच होता है ना, आपकी आंखें देखकर फटी की फटी रह जाएगी। आप एक बार इस मूवी को जरूर ट्राई करना, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आप एंजेलिना जोली के फैन नहीं होंगे तो ये मूवी देखकर आप उनकी डाई हार्ड फैन बन जाएंगे। नंबर 5 पे है इस लिस्ट की सबसे ज्यादा एक्शन, मारकाट और खून पे बनी फिल्म किल बिल वॉल्यूम सीरीज। इस फिल्म में 2003 से 2004 तक दो पार्ट आ चुकी है और इसके दोनों पार्ट में खून खराबा और मारकाट काफी ज्यादा है, इसलिए इस फिल्म को बच्चों से दूर रखें। मूवी में हमें दिखाया जाता है शादी के दिन ही ब्रीड के पति को मार दिया जाता है, फिर 4 साल के लिए उसे कोमा में भेज दिया जाता है। उसके बाद क्या उसके पति को मारने वाले को ऐसे ही जाने देगी, नहीं एक एक करके काट काट कर पीसेस में मारेगी। इसके दूसरे पार्ट में इतना खून मार काट है कि 30% मूवी ब्लैक एंड व्हाइट में शूट की गई है। तो आप सोच ही सकते हैं मूवी में कितनी मार काट होगी। आप एक बार इस मूवी को जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा, इसके एक्शन सीन देखकर आप दंग रह जाएंगे।
नंबर फोर पे है मेरे ख्याल से बेस्ट जॉम्बी फिल्म सीरीज ब्यूटीफुल एक्ट्रेस मिला जोविस्की की रेसिडेंट एविल। इस फिल्म सीरीज में 2002 से 2016 तक इसके टोटल 6 पार्ट आ चुकी हैं। सारे मूवी धमाकेदार एक से बढ़कर एक है। इस फिल्म में मिला जोविस एलिस का रोल प्ले कर रही है। मूवी में देखना है कि पूरे शहर में जॉम्बी फैल चुके हैं, जो लोग बचे हैं उन्हें जॉम्बी से सर्वाइव करना है। मूवी जिसमें एलिस भी है, जिसमें अपने के साथ साथ दूसरों को भी सर्वाइव करवाना है। इस मूवी सीरीज में जैसे जैसे पार्ट आते गए वैसे वैसे एलिस और भी एनर्जेटिक, ब्यूटीफुल और एक नए एटीट्यूड के साथ इस मूवी में नजर आती गई है। इस फिल्म में एलिस की एक्शन सीन देखकर आपको सच में एलिस से प्यार हो जाएगा। आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना, मेरे कहने से एक बार आप इस मूवी को जरूर ट्राई करना। नंबर थ्री पे हॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन जेनिफर लॉरेंस की द हंगर गेम। 2012 से 2015 तक इसमें 4 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें जेनिफर लॉरेंस कैटरीन का रोल प्ले किया है। ये मूवी आपको पबजी गेम की तरह लगेगा। मूवी में एक टूर्नामेंट करवाया जाता है, जिनमें कुछ लोगों को ग्राउंड में छोड़ दिया जाता है और गेम का रूल होता है मारो या लास्ट तक सर्वाइव करो। इस मूवी में जेनिफर लॉरेंस की आउटस्टैंडिंग नेचुरल एक्टिंग देखने को मिलेगी। ये मूवी इतनी सुपर हिट हुई थी कि जेनिफर लॉरेंस को सेकेंड वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बना दिया। इस फिल्म को जेनिफर लॉरेंस के लिए आप एक बार जरूर देखना। नंबर टू पे 2017 की सुपरहिट फिल्म वंडर ह्यूमन। ये मूवी इतनी कमाल की थी कि पैडी टैंकिंग की डायरेक्शन और गैल गैलॉट की एक्टिंग की वजह से डीसी के तरफ से ऑडियंस को सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली फिल्म बन गई। ये फिल्म इतनी ऑनेस्ट और रियलिस्टिक इसलिए लगती है क्योंकि गैल गैलॉट ने इसराइल डिफेंस में अपना 2 साल सर्विस दे चुकी है। गैल गैलॉट सिर्फ फिल्म में ही सुपर हीरो नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में भी है। आप इस मूवी को गैल गैलॉट की एक्टिंग की वजह से आप एक बार इस मूवी को जरूर देखना। नंबर वन पे है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सुपर हीरो के फिल्मों में सबसे ज्यादा फीमेल सुपर हीरो को पसंद किए जाने वाले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक विडो की, जिसे डायरेक्ट किए एमसीयू की पहली फीमेल डायरेक्शन कैट स्कॉटलैंड ने। ये मूवी रिलीज होने वाला था 1 मई 2020 को, पर इस पेंडेमिक की वजह से ये मूवी रिलीज डेट डिले हो गई। कहा जा रहा है कि इस मूवी को नवंबर में रिलीज किया जाएगा। इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि इस फिल्म ब्लैक विडो के ओरिजिन के बारे में दिखाया जाएगा। ये कैरेक्टर हम ऑडियंस को इतना पसंद आया कि स्कारलेट जॉनसन को वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में शामिल किया गया। तो आप इस मूवी को जरूर देखिएगा।